आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हेलो फ्रेंड्स आवर क्वेश्चन इज स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन एट ओएनजीसी सिंस इट्स इनसेप्शन ओएनजीसी हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन ट्रांसफॉर्मिंग द कंट्रीज लिमिटेड अपस्ट्रीम सेक्टर Into a large viable playing field with its activities spread throughout India and significantly in overseas territories. The 1919s had begun on a grim note for ONGC. It took almost a decade for the corporation to sort things out in most uncertain of times. Among many problems, the corporation was also suffering. From the organizational atrophy. In order to survive, ONGC sought help from McKinsey. McKinsey's mandate was to evolve an organizational structure that was far more responsive to its business needs than that based on business groups. The ONGC system run by functional heads often meant delays exceeding a year in matters requiring urgent decisions on field. Also, since responsibilities were shared at production platforms between different business groups, the system degenerated into wrangling over responsibilities. Similarly, group loyalties often took precedence over the requirements of tasks. But most importantly, it was found that the performance evaluation criteria based on business group yardstick were completely at loggerheads with requirements on fields. McKinsey, McKinsey recommended an asset based approach with clearly defined responsibilities in its presentation titled organization transformation project. though say recommendations were broadly accepted, coordination issues concerning commonly shared services needed to be sorted out. finally, the first control over all service personnel working with asset team was vested in asset managers on grounds that being responsibility for the performance of their strategic business units.

मतलब ओ एन जी सी का जो स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्म हुआ था उसके बारे में बताया गया है आपको इसमें जो भी ऑर्गेनाइजेशन फेस कर रहा था प्रॉब्लम्स उनके बारे में बताया गया है और फिर उन्हें उन प्रॉब्लम्स को कैसे डील किया ये दिया गया है इसमें ओ एन जी सी किस में वर्क करता है वो फंक्शनल हेड से वर्क करता है जिस वजह से बहुत डिलेज होते हैं ठीक है मतलब पहले वहाँ पे क्या था आप कह सकते हो कि पहले वहाँ पर सेंट्रलाइजेशन हुआ करता था जिस वजह से चीजों में बहुत ज्यादा डिले होते थे मतलब जो भी डिसीजन लिया जाता था उसमें काफी टाइम लगता था एंड फिर बाद में क्या हुआ द सिस्टम डी जेनरेटेड इन टू अंगलिंग ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब उसके बाद आपका डिसेंट्रलाइजेशन आया और जितने भी टास्क थे वो बाकी लोगों को देने लगे मतलब पूरा एक में नहीं रहता था काम और ये उनने नोटिस किया कि जब उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों को दे दी डीजनरेट कर दी तो उससे क्या हुआ परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा हुआ किसका बिजनेस का जो उनका बिजनेस था उसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा हुआ और पहले से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट था तो आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि explain the concepts of centralization and decentralization आपको सेंट्रलाइजेशन और डीसेंट्रलाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स बताने हैं तो आइए पहले हम जो सेंट्रलाइजेशन होता है उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स जान लेते हैं सेंट्रलाइजेशन में आपका क्या होता है एक पर्सन मेन होता है ठीक है और बाकियों को ये मतलब जितने भी लोग रहते हैं उनको ये हैंडल करता है लाइक like एक ऑर्गेनाइजेशन में ए बी सी डी एंड ई इतने लोग हैं बट जो मेन पावर है वो किसके पास है पी के पास ठीक है मतलब सारे डिसीजन पी लेगा जब तक पी डिसीजन नहीं देगा तब तक ये लोग काम नहीं करेंगे और जितना भी मतलब अप्रूवल होगा वो पी देगा और डी सेंट्रलाइजेशन इसमें आपका क्या आ जाता है इसमें सबके पास इक्वल पावर्स रहती है लाइक like एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक लेवल में ए बी सी डी एंड ई वर्क करते हैं तो इन सबके पास पावर्स हैं और इक्वल पावर्स हैं ये लोग इक्वली काम कर सकते हैं इसको बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन तो ये आपके दो कॉन्सेप्ट्स हैं, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन थैंक यू क्लास सिक्स टू ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेटाप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर